गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपको हम मैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है आपका, ड्रॉ टेंजेंट और नॉर्मल। तो सबसे पहले अब मैं पाराबोला बना चुका हूँ। ये है आपका पाराबोला, ठीक है, ये आपका पाराबोला। अब मैं टेंजेंट बनाऊंगा आपको। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी सर्किल है या कोई भी इसका एक पॉइंट से जो क्रॉस करे लाइन, इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ये आपको पता है। उसी तरह ये पाराबोला है, इसका ये सरकमफ्रेंस है, इसे कोई एक पॉइंट से टच करता हुआ, पता आपको, डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ, कोई भी एक पॉइंट से टच करके चला जाएगा। सिर्फ इसका सर्कमफ्रेंस से कोई भी एक पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन चला जाएगा, उसी को बोलेंगे टेंजेंट। जैसे इस सर्किल से सिर्फ ये पॉइंट टच करके ये चला गया एक लाइन, ये हो गया इसका टेंजेंट। इस पॉइंट को टच करते हुए जो ये इसका टेंजेंट। उसी तरह से देखेंगे कैसे टेंजेंट बनता है। तो सबसे पहले ये आप फोकस देख रहे हो, फोकस, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ले सकते हैं। तो इसे कोई भी एक पॉइंट पर, इस सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट हम चूज करेंगे, ये पॉइंट मैं चूज कर लिया हूँ, इसका नाम दे दूंगा पी, क्या दे दूंगा पी, ठीक है। अब देखिए इसको मिला देना है फोकस से, किससे मिला देना है, फोकस से। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे चूज किया, आप भी यहाँ पे इस पॉइंट पे चूज किए, इसको आप मिला दीजिए फोकस से, इस तरीके से। पहले पॉइंट पे यहाँ पे चूज कर लिया अपने मन से, कहीं भी मैं यहाँ पे चुन किया, आप भी यहाँ चूज की, इसको एफ से मिला देना, एफ से देखो मिला दीजिए, ठीक है। देखिए ये पॉइंट लिए है, यहाँ से आपको फोकस से मिला देना, आंख बंद करके बगैर सोचिए, बगैर समझे, बगैर झिझके हुए मिला दिए, ऑलरेडी मिल चुका है। अब देखिए इस लाइन का रेफरेंस लेके, ये लाइन का रेफरेंस लेके और ये पॉइंट का रेफरेंस लेके आपको 90 डिग्री एंगल लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और इस तरीके से इस पॉइंट से 90 डिग्री को एक लाइन मिलाएंगे जो डायरेक्ट्रिक्स तक जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर आया, अब इसको मिलाएंगे, देखिए यहाँ से मिला रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स तक, डायरेक्ट्रिक्स तक मिला दिए हम। यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, इसका नाम देंगे टी, क्या नाम देंगे टी, इसका नाम दे दिए हम टी। और यहाँ से यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यानी ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इस पॉइंट, ये टेंजेंट, ये पॉइंट को ये इस पॉइंट से मिलाना है जो कि हमारा टेंजेंट बनेगा। देखिए इस तरीके से मिलाएंगे और मेरा बनेगा ये टेंजेंट, देखिए इस तरीके से मिला और बिल्कुल एक पॉइंट टच करते हुए निकल गया, यानी इस पॉइंट टच करते हुए निकल गया। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आपका ठीक हो जाएगा। यही हो गया आपका टेंजेंट, देख लीजिए यही हो गया आपका टेंजेंट। अब बनाना है नॉर्मल, देखिए नॉर्मल, नॉर्मल का देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन और ये पॉइंट का रेफरेंस बनाकर 90 डिग्री मेजर करेंगे, कितना मेजर करेंगे 90 डिग्री, तो आपको इस पॉइंट पे 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसी पे लाइन इस तरह से क्रॉस करा देंगे और हो जाएगा। और आप देखिए कैसे क्रॉस कराते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पे पूरा था और इस पॉइंट पे लाइन देखिए मिलाते हुए और ये 90 डिग्री, यही हो गया नॉर्मल, यही हो गया नॉर्मल, यही क्या हो गया नॉर्मल, यही हो गया आपको नॉर्मल। बिल्कुल ये लाइन और ये पॉइंट का रेफरेंस लेके 90 डिग्री लेना है और ये हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल के एन से रिप्रेजेंट कर जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये लेक्चर नंबर 8 का सोल्यूशन।